नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। एक बड़ा खुलासा आप लोगों के सामने, जो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि गरीबों का राशन कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। राशन की बात कर रहा हूँ जो गोदाम में आता है, जो उचित मूल्य की दुकान में पहुँचता है, वो राशन 99 क्विंटल राशन चोरी हो गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सीधी जिले के बभनी क्षेत्र चौकी के अंतर्गत कुबरी क्रमांक 2 दुकान जो है उचित मूल्य की, उस दुकान से 99 क्विंटल यानी कि 198 बोरी 50 किलो की एक बोरी 198 बोरी जो है राशन चोरी हो चुका है। जिसमें आप लोगों को बता दूं, ये मामला 28 तारीख का है, जो रात में लगभग 12 बजे के तकरीबन ये चोरी हुई, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला। आप लोगों को ये भी बता दूं कि वहां के ग्रामीण जनों को जब ये दिखाई दिया कि वहां पर चोरी हो रही है, तो उनको ये लगा कि वहां के कोटेदार अशोक सिंह मौजूद होंगे, लेकिन सच ये है कि उनके द्वारा बताया जा रहा है कि मैं मौजूद नहीं था, बल्कि मैं घर में था, मुझे सुबह पता चल रहा है। बड़ी बात यह है कि गरीबों का राशन आखिर में कहां चला गया, गया तो गया कहां, कुछ पता नहीं। ना तो कोई टोल प्लाजा पे चेकिंग के दौरान पाया गया और ना ही कहीं और। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि क्या 198 बोरी ये जो राशन है वो क्या छोटी वाहन में आएगा? नहीं, बल्कि ये ट्रक में ही गया है, लेकिन कहां गया कोई पता नहीं। पुलिस की जांच इसमें जारी है। जो आप लोगों को बता दूं कि बवनी चौकी से पुरुषोत्तम पाठक जो हैं, उनके द्वारा इंक्वायरी की जा रही है कि आखिर में राशन गया तो गया कहां, लेकिन जल्द ही शायद इसका खुलासा हो पाएगा। बता दूं कि 28 तारीख को जब ये वारदात हुई, उस टाइम पर ये जो वहां के कोटेदार हैं, जो विक्रेता हैं, वो घर पे मौजूद थे, और सुबह एक महिला के द्वारा उनको कॉल करके बताया गया कि राशन चोरी हो चुका है, गोदाम खुला हुआ है, आखिर में आप यहां पर नहीं हैं तो कहां हैं? क्योंकि जब वहां पर ताला टूटता है, तो आप लोगों को सबसे बड़ी एक कहानी और बता दूं इसमें कि एक शटर के अंदर से और बाहर से दोनों साइड से अगर लॉक लगा हो, और लॉक लगने के बाद तोड़ते बनेगा ही नहीं, शायद हो सकता है कि कटर या छीनी से लॉक तोड़ा गया हो, लेकिन वहां पर ताला भी मौजूद नहीं। यानी कि आप लोगों को बता दूं कि कहां क्या कैसे हुआ कुछ पता नहीं चल पा रहा। लेकिन इतनी बड़ी चोरी होने के बावजूद इतना सारा लोगों का राशन चोरी हो गया, लेकिन अभी तक आप लोगों को बता दूं कि 10 दिन हो चुके हैं, 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा कि आखिर में राशन कहां, गाड़ी कहां, क्या कैसे, कुछ पता ही नहीं चल रहा। सुनिए ये बयान, जो कि अशोक सिंह वहीं के विक्रेता के द्वारा ये बयान सामने आया है। हाँ जी, नाम बताएं। अशोक सिंह। अच्छा, कौन से पद पे हैं आप? विक्रेता। विक्रेता है। कौन सा है ये कोटा? कुबरी सेकंड दूसरा जी। ये कब की वारदात है चोरी की? 28 तारीख की रात। कितना गया यहाँ से? 194 बोरी गेहूँ और 4 बोरी चावल। उसके एक दिन पहले आपका कोटा खुला था या बंद था? बंद था, बिल्कुल बंद। और ये राशन कब गिरा था, कितने तारीख? 21 तारीख को गेहूँ गिरा है और 23 तारीख को चावल गिरा है। क्या लगता है आपको कितनी बड़ी गाड़ी रही होगी? अब गाड़ी तो हम तो अपने नजर से देखे नहीं, गांव वाले बताते हैं कि 480 से बड़ी गाड़ी थी, सफेद कलर की थी। क्या ये पिकअप वगैरह में आना मुश्किल है? बिल्कुल नामुमकिन। प्रत्येक बोरी कितने किलो की रही होगी? आप 50 किलो के हमको वजन करके देते हैं मिनिमम मान की, 50 किलो की, मतलब प्रत्येक बोरी लगभग 50 किलो मान चाहिए। ये चोरी को अंजाम दिया गया रात को, तो ऐसा क्यों हुआ आपको क्या लगता है, वजह क्या थी चोरी? आप चोरी की वजह तो देखिए, हम चोर के मनसा को नुमाइंदे को उसके हम नहीं पा रख सकते हैं। हमारा माल चोरी हो गया तो हम चोर हो गया, इनके द्वारा हमको पता मिली, हम यहाँ आए और देखे कि हमारा वास्तव में हमारा चोरी हुआ है। हमने पुलिस को रिपोर्ट किया, पुलिस जांच आज तक नहीं की हमारे, जब तक हम रहे बीच में थोड़ा हम 3-4 दिन के लिए नहीं थे यहाँ। पुलिस पता ही बताई, पुलिस आई थी, आपको कौन पुलिस वाले आए थे और हमसे दस्तखत बनवा के लेके चले गए हैं। ग्रामीण जन के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है तो रात को कभी राशन उतरा, जिसकी वजह से उन्हें को ये लगा कि यहाँ पर अभी आप हैं, इसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं आए। 98 से हम नियुक्त हैं विक्रेता पद पर, यहाँ पर नहीं, बहुत सारी दुकानों में हो गया, लेकिन हमारा वसूल है कि रात 9 बजे के बाद हम खाद्यान्न खाली नहीं करवाते जी कभी। यहाँ कब से पदस्थ हैं? यहाँ 15 से। 15 से अभी तक ऐसा कोई वारदात और कभी हुआ था? नहीं हुआ, एक बार हुआ था। कब हुआ था? 16 में। क्या पकड़ा गया था राशन? राशन ही यहाँ हम
अब ये जो टैंकर था जी, टैंकर इस साइड में था जी, मिट्टी के तेल आया था गाड़ी लेके, उसकी पाइप भी 3-4 फीट कम थी। हमने तुरंत दीवार में छेद करवाया और टैंकर को भर कर रखवाया और उसे तेल खाली करवाया। तो क्या केरोसिन चोरी हुआ था? हाँ, तो उसमें जो हम ताला लाए थे तो उसमें जो ताला लगाने का जो होल है उसमें कम था, ताला कुंदा था, थोड़ा मोटा उस गया नहीं। मैंने ताला तेल तरवाया, तेल तरवा करके उसमें एक लकड़ी डाल के और चला गया। 12 तारीख की बात है। टोटल 198 बोरी चोरी हुई। महोदय हाँ। ये बताएं, 198 बोरी खाद्यान्न और उसमें भी प्रत्येक बोरी लगभग 50 किलो की, तो अकेले या एक या दो व्यक्तियों का काम तो ही नहीं हो सकता। क्या लगता है कितने व्यक्ति रहे होंगे इस घटना? हम तो मौजूद थे नहीं, फिर लगभग लगभग जो आदमी बताया कि आदमियों का वहाँ दौड़ दौड़ के आना, दौड़ दौड़ के जाना। अच्छा, बहुत सारे आदमी थे, बहुत दौड़ दौड़ जा रहे थे। लगभग फिर भी क्या लगता है कितने आदमियों का कार्य रहा? क्योंकि आपके रोज का कार्य है खाद्यान्न उतरवाना और हम देखते हैं कि हमारे खाद्यान्न दुकान जो लेके आते हैं लगभग लगभग 4-5 या 6 आदमी रहते हैं और सब बोरी उतारना है, तो मतलब 15-20 मिनट या आधा घंटे में उतर जाता है। अच्छा, ये आपको कब पता चला कि यहाँ चोरी हो गई? 29 सवेरे 6 बजे उनके फोन द्वारा। अच्छा, आपने फिर FIR भी दर्ज करवाई होगी? जी, FIR हमने रिपोर्ट किया। अच्छा अच्छा, FIR करने को राजी नहीं हुई, जब तक जांच नहीं हो जाती FIR नहीं होगी। तो ये जांच अभी कितने दिनों से चल रही है? 28 से आज 7 तारीख का समय। क्या लगता है अभी कितना टाइम और लग जाएगा? अभी हमको नहीं मालूम कौन जांच करेगा, कौन अधिकारी जांच करेंगे, हमको नहीं मालूम। क्या आपने पता करने का प्रयास किया थाने में? क्या थाने में प्रयास किया तो थानेदार जो पवन सिंह है तो उन्होंने बोला कि हम इस समय TIV चार्ज में है, चौराहट में है, तो भाई चौराहट बड़ा थाना है तो पवनी चौकी प्रभार जो पदस्थ यहाँ है नहीं आ पाए। किस कारण से नहीं आ पाए हम तो सारी बात नहीं बता सकते। क्या रात को उस टाइम पे आपके फोन पे कोई और कॉल गया था? ऐसा कोई नहीं, कोई कॉल नहीं। उस दिन आप कहाँ थे सर? घर में बिल्कुल। वहीं ग्रामीण जो आप लोगों को बता दूं कि पड़ोसी जो हैं उनके द्वारा एक महिला के द्वारा भी बयान आया है जिसके द्वारा कॉल किया गया और बताया जा रहा है कि अशोक सिंह जो कि वहां के विक्रेता हैं वो एक दारूखोर है, नशीले हैं, काफी नशा करके कोटेदार यहां आते हैं और जिसके चलते जो है यहाँ के ग्रामीण जन काफी डरते हैं। इनके बर्ताव, इनका बिहेवियर जो है बहुत गंदा है। जो आप लोगों को बता दूं कि उस महिला के द्वारा ये भी बताया गया कि अशोक सिंह जो है गाली गलौच हमेशा करते हैं, वो चाहे महिला हो या पुरुष हो, गाली गलौच करना बंद नहीं करते, इसीलिए जो है कोई उनके करीब भी नहीं जाता। जिस तरीके से आप लोगों को बता दूं कि सरकारी एम्प्लॉय जो है, कर्मचारी जो है, दारू पी कर अगर कोटेदार कोटे में आ रहा तो सबसे बड़ी बात और वारदात, ये ऐसी घटना किसी के साथ भी घट सकती है कि एक महिला के साथ अगर गाली गलौच हो रहा है तो आगे चल के कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से कानून जो व्यवस्था है, जो कि आप लोगों को मैं बता दूं कि यहां के जो व्यवस्थापक हैं वो किस तरीके से हैं, इस तरीके का कर्मचारियों को आगे बढ़ाते हैं, ना कि उनको सस्पेंड किया जाएगा, ना बर्खास्त किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि ऐसे ही बने रहते हैं। एक कहानी नहीं, हर घर की कहानी है, हर एक सोसाइटी की कहानी है ऐसे कि दारूखोर हर जगह बैठे हुए हैं, नशे में डूबे हुए हैं और जाकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन देखने वाला कोई नहीं। सबसे बड़ी खबर जो आती रही, जो आप लोगों को बता दूं कि 28 तारीख से चोरी होने के बावजूद आज तक कहीं खुलासा इसका नहीं हो पा रहा कि आखिर में राशन गया तो गया कहां। सुनिए ये महिला का बयान। नाम क्या है आपका? श्याम करण चतुर्वेदी। अच्छा, ये सोसाइटी के पीछे आपका घर है, ये जो उचित मूल्य की दुकान इसके पीछे। तो जब आप सुबह जगी तो क्या हुआ पूरा वारदात? हम सवेरे जगन थे, कहीं निकलन थे, एक बोरी पड़ी रही यही गेट के लगे और यहाँ से वहां तक कहाँ वो लड़का खड़ा है तो वो बोरा बिछावा रहा और कहती को वही चित्रान रहा, तो हम आनते वही से एंठे तो निकलन, एक माँ बच्चा है ऐसे बड़ा है बच्चा, तो वो सोचे कि दादा है हम कोटा माँ, तो हम कहा न जाए पिए रहा था दादा, हम सोचे कि न जाए सो बात वही से न जाए, तो वह चला तो वहाँ से कहा था कि ए दादा ए दादा ए दादा यही द्वारा भर गा अबोड़ी यही से परी रही, तो हम कहा कि न जाए वहाँ पिए वहीं से दिया दाखिल ला गए बिले दखता वहाँ, तो हम कहा हम न जाए और हम वहीं से दे रहे थे हम खड़े रहे। क्या ड्यूटी पीरियड पे भी पी के आते हैं ये जब ड्यूटी में रहते हैं तब भी? हाँ, तो बता ना कि हमें सोचन के उन्हें ना जाए लाला वही फूटा थे, हम खड़े रहा हमारा लड़का यही गेट के लगे खड़ा रहा, अंदर नहीं गया यही दादा दादा घुरावर है, तो हम कहें कि नहीं आए।
फिर इसके बाद आपने कॉल किया इनको, फोन लगाया? हाँ, फिर हम फोन लगवा ना दादा का। फोन लगाने के बाद फिर कब तक आए? लगभग जल्दी नहीं आ गए दादा, कहीं हम बताने दादा का कोटा में आए रहे तो दादा कहीं नहीं पंडित आए, हम नहीं आए। रात को आप जग रही थी? नहीं जागा सर, हम दो लड़किया लेके पहुड़े रहा ना, नहीं जा रहे। अब आखिर में पुलिस क्या करेगी, इसका जांच कर पाएगी, ढूंढ पाएगी या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। गरीबों का राशन कहाँ चला गया, ये भी एक देखने वाली बात होगी कि आखिर में राशन गायब हुआ तो हुआ कहाँ, क्या है आखिर में पूरा मामला, इसका खुलासा जल्द हो तो पता चल पाए कि आखिर में राशन गया तो गया कहाँ। सबसे बड़ी बात विजुअल में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये चोरी जो हुई है, आप लोगों को बता दूं कि जिस तरीके से गल्ला यानी कि अनाज जब उतरता है जिस तरीके से, उसी तरीके से चोरी भी हुई है। क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि जहां पर लगभग 50 मीटर की दूरी पे गाड़ी खड़ी हुई थी कोटा से, जो आप लोगों को वीडियो में देखने को मिल रहा होगा विजुअल की कहां पर खड़ा था, और राशन जब निकाला गया है तो बोरा यानी कि जो वहां पर निकाले गए उस टाइम पे बोरियों की लाइन लगी हुई थी ताकि उनके पाँव में कांटे ना चुभे, पत्थर ना चुभे। चोर इतनी अच्छी तरीके से चोरी किए हैं कि उनको तकलीफ भी ना हो। और सबसे बड़ी बात कि आखिर में ताला टूटा हुआ कहां लेके जाएंगे, आखिर में वो ताला कहां गया, ये एक कहीं ना कहीं बड़ी बात है। संदिग्ध के घेरे में भी ये चीजें लाती हैं कि ताला टूटा हुआ कौन लेके जाएगा। अगर ताला टूट चुका है तो उसका कोई मतलब नहीं ले जाने का, लेकिन जो चोरी हुई किस तरीके से हुई सब कुछ देखने को मिला। बने रहे आप तरंग 24 न्यूज के साथ, अगली खबर जल्द लाऊंगा और शायद अपडेट भी मिल जाए इसकी कि राशन मिला या नहीं, आखिर में चोर कौन है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।